जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। श्री दोल गोविंद श्रीमंदिर श्रीजीवों समेत विभिन्न चलती प्रतिमा मान वर्ष तमाम विभिन्न यात्रा उपजात्रा और उत्सव मान कहीं केतकाल निरवच्छिन्न भाव में पालित हो आसुअ द्वादश यात्रा सह अन्यान्य उपजात्रा गुड़िकर विधि विधान पालन रीति क्यों को निर्दिष्ट दिवस नीति पालन हो संबंध में विभिन्न पुराण ग्रंथ यथा स्कंद पुराण नीलाद्रिमहोद यात्रा भागवत ब्रह्मपुराण वामदेव संहिता सह आज दिन प्रचलित श्रीमंदिर स्वतलिपि उल्लेख अच्छे। स्नान यात्रा और रथयात्रा स्वयं दारू विग्रह विजय हो द्वादश यात्रार दुई मुख्य पर्व पालन होता बेले चंदन यात्रा मदन मोहन श्रीदेवी भूदेवी रामकृष्ण समेत पंच महादेव अंशग्रहण करपरी दोलोत्सव सह अन्न केत जा दोलगोविंद विग्रह सह श्रीदेवी और भूदेवी अंशग्रहण कर श्री दोलगोविंद प्रतिमा अष्टधातु निर्मित अटंती काठ निर्मित और रूपार आच्छादित प्रभाव पर विराजित अच्छा देखिए अच्छा प्रभार उभय पार्श्वर मगर मुंड उपर भाग तीन थाखिया खिलण दधि नौती ओलट शुआ दुई गोटी ओलट शुआ दुई गोटी सह चक्र अच्छी उभय पार्श्वर गज विड़ाल मूर्ति सह शंख चक्र चिन्ह अच्छी श्री दोलगोविंद ठाकुर चतुर्भुज अटंती उपर दुई हाथ मध्य डाहाण हाथ में गदा और बाम हाथ में पद्म समेत तल दुई हाथ मध्य डाहाण हाथ में चक्र और बाम हाथ में शंख आयुध धारण कर मस्तक रामानंदी चिता सह दक्षिण भारतीय मुकुट परिधान कर प्रतिमा उच्चता प्रायत 20 इंच हो पाए दोलगोविंद ठाकुर वर्ष तमाम प्राय 11 थर आज्ञामल पाई विभिन्न नीति और उत्सव पालन करनवसर घर 15 दिन प्रटब्रह्म पट्टीदीयों सह खट उपर विराजित हो दैनदीन रीति से पूजा पाई तादर आज्ञामल पाई नीति गुड़िक हूँ बसंत पंचमी दोल यात्रा अनुकूल विधि नीति सह बसंत गुंडीचा बसंत पंचमी दिन श्री जगन्नाथ मंदिर विभिन्न नीति क्रमर हो दिन गोटे मुख्यतः होता है चाचिड़ी बेश होता है चाचिड़ी बेश पर दोलगोविंद दक्षिण गुरु भोग खाई रत्न सिंहासन को विजय होता रत्न सिंहासन विजय हला परे पांच बाड़ पंथी होता है से गोटे चाचिड़ी भोग होता है स्वतंत्र रूपे रोष रोष रु भोगटी आसी था चाचिड़ी भोग हला परे दोलगोविंद श्रीदेवी भूदेवी आज्ञामल पाई विमान विजय कर जगन्नाथ बल्लभ को जाते गोटे स्वतंत्र नीति पुणी होता है सेठे पूजा पंडा तीन जन पूजाठा आस्थान में बस पंचोपचार विधि चाचिरी भोग शेष करपर पानी पड़ी धुआ धुई सर पूर्व सजा होता नौ गोटी फगु पुड़िया को तीन गोटी पिंगल धरी पूजा पंडा पति महाप्तर मुदिरस्थ सेवक घंट छती काहाली सह घटुआरी घर रत्न सिंहासन को पटुआर विजय कर मानने बसंत पंचमी रथ अनुकूल आरंभ हो दोलवेदी भी दोलर अनुकूल से ही दिन आरंभ हो जाए मुदिरस्थ प्रतिमाप्त पूजा पटाख द्वारा संस्कार हो श्रीजू समेत विभिन्न प्रतिमा को लागी करा जाए से फगुगुड़िक मुद्रा सेवक चांगुड़ी जऊ डाब गोटे स्वतंत्र रूप गोटे जऊ डाब जऊ रे तैयारी गोटे फगु ताधेरे फगु चंदन दिखाई थब से गुड़िकेहर चंदु चंदन गुंड फगु मिश्रित होता तीन गोटी को मुदिरस्थ द्वारा तीन बाड़ सिंहासन में बाड़िया फटा जाए महाप्रभु बाड़े मुदिरस्थ द्वारा राजनीति होता है उक्त नीति समय खुंटिया मणिमा डाक दिखती पर पूजा पंडा पति महाप्तर मुदिरस्थ द्वारा बंदापना हो पूजा पंडा महाप्रभु बाड़ तीन गोटे आज्ञामाल दोलगोविंद भूदेवी और श्रीदेवी को प्रदान करार महाजन सेवक द्वारा हाथ में विजय हो जय विजय द्वार पाखे ठिया कराए मुदिरस्थ सेवकों द्वारा विजय प्रतिमा को प्रसाद लगी फगु आंजु पुणी पुनर्वार प्रभा देहरे से ही जऊ डाब आउ तीन गोटी बाड़िया फटा जाए पर बंदापना हुई झूलमुंडी तले थिबा विमान को विजय हुंती विमान रे तीन ठाकुर बसी रुंधा हवा परे विजय काहली बाजी विमान गुड़ सेवक कांधे मंदिर बेढ़ बुली सिंहद्वार दे जगन्नाथ बल्लभ मठ को जाई मठ भितर विमान प्रवेश परे विमान ओल्ला जाई महाजन सेवक रुंधा खोली जगन्नाथ बल्लभ झूलण घर थिबा खट सज उपर विजय कराई दोलगोविंद श्रीअंगुरु पूजा पंडा द्वारा आज्ञामल बाहरी घंट छती काहली सह मठ महावीर को प्रदान कराए विजय प्रतिमा सम्मुखें सुदस्वर द्वारा पानी पड़ी पूजाठा पर सम्मुखें टेरा बंधा जाए से भोग अन्न विधि बढ़ला बंदापना कराए
बंदापना पर दोलगोविंद को पुनर्वार बेंट पोखरी कूल को निजाए बेंट पोखरी कूल छह गोटी पौड़ रखी सीटी बेंट शिकार कराए से दिन भी बेंट प्रथम बेंट आरंभ हुए तापर फगुमुणी मणुई कर जौडाब फटा जा महाप्रभु पुनर्वार श्रीमंदिर को बाहुड़ा विजय करपरि नीति फगुदशमी ठार त्रयोदशी पर्यंत चारिदिन चाचेरी नीति होता है बसंत पंचमी पर नीति होते दोलगोविंद जगन्नाथ बल्ल को जाकि किंतु आ जगन्नाथ बल्ल सिंहासन में विजय नई खट उपरक विजय नई से विमान गुड़ कांधे रहीकि भोग बंदापना होकर प्रसाद लगे तापर मंदिर को फेरी था यदि गोटे गुरुत्व कथा हूँ जदि य दशमी दिन जेहेतु ये नीति आरंभ होता है एकादशी दिन जगन्नाथ मंदिर को फेरला जदि समस्त एकादशी बेढ़ा गुड़िक मदन मोहन नीति समापन करती किंतु यही एकादशी फगुदशमी पर जो एकादशी दिन से दिन दोलगोविंद एकादशी बेढ़ा नीति करती तेणुक एकादशी नीति दोलगोविंद दक्षिण गुरु को विजय न हो जय विजय द्वार पड़ता शेजर विजय हूँ पूजा पूर्णाक द्वारा भोग बंदापना हो दक्षिण गुरु को विजय करते आउ गोटे गुरुत्व जिनस हूँ उक्त एकादशी दिन जदि सोमवार शंभु एकादशी नीति पालित होता है जदिव वर्ष तमाम पड़ुता शंभु एकादशी नीति मदन मोहन और भंडार घर लोकनाथ देव विजय प्रतिमा आलित होता बेले चाचेड़ी नीति बेले पड़ुता शंभु एकादशी नीति में मदन मोहन परे दोलगोविंद भंडार घर लोकनाथ देव विजय प्रतिमा विजय हुई उक्त नीति पालित होता है चाचेड़ी नीति बेले जदि शंभु एकादशी पड़ता है तो दोलगोविंद जगन्नाथ बल्लभ बाहुड़ा विजय हो श्रीमंदिर को फेरिया जय विजय द्वार ठारे सेज पड़ी दोलगोविंद विजय हे पर ठाकुर भंडार घर लोकनाथ विजय प्रतिमा आसी दोलगोविंद पाखे विजय हूँ गरावड़ सेवक द्वारा विजय प्रतिमा का सम्मुख में पा पड़ शुद्ध होता है पर शीतल बढ़ा जा प्रसाद लगे होता पूजा पंडा द्वारा भोग मणा होता है बंदापना पर दक्षिण घर को दोलगोविंद दक्षिण घर को लोकनाथ देव भंडार घर को विजय होता फगुदशमी होली पर्यंत सात दिन दोलगोविंद भूदेवी श्रीदेवी विजय हूँ प्रथम चारिदिन चाचेरी बेश और भोग पर जगन्नाथ बल्ल को विजय होता बेले मेढ़ापोड़ी दिन अर्थात दोल पूर्णिमार पूर्व दिन मेढ़ापोड़ी दिन चाचेरी बेश चाचेरी बेश और भोग पर दोलविधि को दोलविधि को दोल पूर्णिमार दोलविधि को और होली दिन नरेन्द्र पुष्कर को विजय करता मेढ़ापोड़ी दिन पूर्व दिन पर समस्त नीति हो चाचेरी भोग पर फगुमुणी पटुआर आसी संस्कार पर फगुआ अंजलि बंदापना राजनीति जौडाब फटा सब जो पूर्व दिन पर सब जिनस होता है महालक्ष्मी मंदिरस्थ से महाजन सेवक द्वारा विजय प्रतिमा तीन जन आज्ञामाला पाइला महालक्ष्मी मंदिरस्थ मंदिर बारंडा को खट सेज पर विजय हूँ मुदिरस्थ द्वारा पुनर्वार फगुआ अंजलि दोलगोविंद भूदेवी सिद्धू को लगे पर कर्पूर आलती चाउल बंदापना और पर दुई थर बलिता आलती होता मुदिरस्थ द्वारा राजनीति हो जौडाब फटा जाए सेठार विमान को विजय करती रुंधा हो विमान गुड़ सेवकों कांधे सिंह द्वार दे दोलवेदी को आसी था दोलवेदी पाच तले विमान ओह्ल दि जाए अग्नि उत्सव व मेढ़ापोड़ी काठ घसी सजा जा स्थान पाखे सुदूस्वर सेवक पूजा ठा करने कर्मणिया पूजा पंडा मुदिरस्थ प्रतिमाप्तर उपस्थित होम कार्य करूर्णाहुति पर विमान सामने सुदूस्वर पूजा ठा करती भोग बढ़ा जा मुदिरस्थ प्रसाद लगी करती बाहर विजय पूजा पंडा द्वारा पंचोपचार विधि भोग मणई होता है मुदिरस्थ सेवक बंदापना राजनीति और जौडाब फटाइवा सजा जाता काठ और घसी अग्नि संजोग अग्नि चारिपटे विमान तीन घेरा बुला जाए विमान बड़ू और महाजन सेवक गहन में श्रीमंदिर को बाहुड़ा विजय करती इटि गोटे उल्लेख हो पंच महादेव यदिन श्री जम्बेश्वर लोकनाथ मार्कंडेश्वर कपालमोचन और श्री नीलकंडेश्वर उक्त नीति बेले दोलवेदी ठार उपस्थित रुहति ये गला मेढ़ापोड़ी दोल पूर्णिमा दिन जमी बहुत उत्सवर दिन श्रीमंदिर पालित होता विभिन्न उत्सव मध्य दोल उत्सव अन्यतम अटे यही उत्सव में दोलगोविंद भूदेवी और श्रीदेवी महाप्रभु अंगुर आज्ञामाला दोलवेदी को विजय हुई उत्सव नीतिमान समापन करते दोलवेदी दिन दोल पूर्णिमा दिन दैनिक देवनीति में द्वारफिटा मंगल आलती अवकाश होता है घटुआरी घर चंदन विजय हो मेकअप सर्वांग होता है नुआ लुगा लगे और गभा लगी बेश हुए पुष्पाक पाया रत्न सिंहासन ओह्लवा सूर्य पूजा द्वारपल पूजा पूजा पंडक द्वारा समापन हुए भितर पोखरी अमुणिया पा पड़ी शुद्ध होता है पांच गोटी चेमिड़ी कना पांच बाड़े पड़िया पर पूजा ठा होता है रोष द्वारस्थ गंधण घर खईकरा भोग डाकि जाए पाया मसर वाघ बहा बांधि भोग आनी पंचपंथी बाढ़ी था
ମା ଜନସେବକ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦକ୍ଷିଣ କରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଡ଼େ ବିଜେ କରନ୍ତି। ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଲଗାଇବା ପରେ ମୁଦିରସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ପାଳିଆ ପୂଜାପଣ୍ଡା ତିନି ଜଣ ପୂଜାଠା ଆସନରେ ବସି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଜେରେ ଭୋଗ ମଣେଇ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ଭୋଗ ଟେରା ପଡ଼ିବାରେ ତଳୁଚ ଅଖଣ୍ଡ ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମହାଜନ ସେବକ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ହାତୀରେ ଧରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଚାରିପଟେ ସାତଘେରା ଅଧେ ବେଢ଼ା କରାନ୍ତି। କଳାଘାଟ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ଟେରା ଫିଟିବା ପରେ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ମହାଜନ ସେବକ ଗହଣରେ ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ରତ୍ନସିଂହାରେ ବିରାଜିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଶୋଭିତ କରାନ୍ତି। ତାପରେ ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପକୁ ଠାକୁର ବିଜେ ହେଇକି ସେଠାରେ ମା ସ୍ନାନ ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣକ ଲାଗି ଏତକ ହେଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ମନ୍ଦିରରେ ସାତଘେରା ଅଧେ, ତାପରେ ଦୋଳବେଦୀ ତଳେ ସାତଘେରା ଅଧେ, ଦୋଳବେଦି ମଣ୍ଡପ ତଳେ ହାତରେ ସାତଘେରା ଅଧେ, ଦୋଳବେଦୀ ଦୋଳବେଦୀକୁ ଦୋଳିକୁ ସାତଘେରା ଅଧେ ବୁଲି ଦୋଳିରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ମା ସ୍ନାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ଖଇକରା ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ଧୂପ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବଡ଼ସିଂହାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଏଇ ତିନି ଭୋଗ ହୋଇ ତାପରେ ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିର ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କଲାପରେ ସେଠି ପୁନର୍ବାର ଆସିକି ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସାତଘେରା ବୁଲି ବାହାର ବେଡ଼ାରେ ସାତଘେରା ବୁଲି ସେଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଭୂଦେବୀ ସେ ରତ୍ନ ସିଂହ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଭିତରକଟ ପାଖରେ କେବଳ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଇ ନୀତିଗତ ମାନେ ଆସିକି ପୁଣି ଭିତର ସେଟା ମାନେ ସାତଘେରା ବୁଲିକି ଦୋଳବେଦି ବାହାରେ ବେଢ଼ା କରି ମହାଜନ ଗହଣ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରନ୍ତି। ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ବିମାନ ସାତଘେରା ବେଢ଼ା ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଓଲାଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସାମ୍ନା କରି ବିମାନ ରୁହେ। ଶୁଦ୍ଧସ୍ୱର ସେବକ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ ଧୁଆ ହୋଇ ଅମୁଣିଆ ପାଣି ପଡ଼ି ପୂଜାଠା ହୋଇଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧସ୍ୱର ଶୀତଳ ଭୋଗ ବାଢ଼ିବା ପରେ ଭିତର ସମାପ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରନ୍ତି। ପୂଜାପଣ୍ଡା ପୂଜାଠା ଆସନରେ ବସି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧିରେ ଭୋଗ ମଣେଇ କରନ୍ତି। ବିମାନ ଗୁଡ଼ ସେବକ ବିମାନ କାନ୍ଧୋଇ ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ରତ୍ନ ସିଂହ ସାମ୍ନା କରି ରଖନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଥର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିମାନ ଫେରିଲା ପରେ ଆସିକି ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରି ଠିଆ ହେବ। ସେଠୁ ଗରାଉଡ଼ ସେବକ ଝରିରେ ଆଣିଥିବା ଜଳକୁ ଭିତର ସମାପ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଭିତର ସମାପ୍ତ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପରେ ପାଳିଆ ମେକପ ଯୋଗାଇଥିବା କର୍ପୂରରେ ଭିତର ସମାପାତ୍ର ବିଜେ ପ୍ରତିମାକୁ ଆଳତି କରନ୍ତି। ତାପରେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେଇଅନ୍ତି ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେଇଅନ୍ତି। ହୋଲିରେ ସେମିତି ସେଦିନ ଯଦିଓ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭକୁ ସବୁଦିନ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଛଅ ଦିନ ଏକା ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୋଲି ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଅନୁକୂଳ ପିଙ୍ଗା ଚନ୍ଦନ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେହିପରି ଯୋଉ ଡାବ ଫଗୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ତାପରେ ଆମର ବେଣ୍ଟ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ହେଇଥାଏ। ସେ ବେଣ୍ଟ ଶିକାର ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ସେଠାରୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ପୁନର୍ବାର ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରି। ଶୀତଳଷ୍ଠୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ପଞ୍ଚମହାଦେବ ସହିତ ନୀତି ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। ରୁକୁଣାହାଣକାଶୀ ଦିନ ଯଦିଓ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭିତର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଦନ ମୋହନ ଆଉ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏକାଠି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି, ରୁକୁଣୀହାଣ ଦିନ ଯେହେତୁ ମଦନ ମୋହନ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ହରଣ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଏକୁଟିଆ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରଗୋବିନ୍ଦ ବନ୍ଦାପନା ଟିକିରା ଘୋରି ବା ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ବଡ଼ଛତା ମଠ ପାଖରେ ଟିକିରା ଘୋରାରେ ହୋଇଥାଏ। ହରଚଣ୍ଡୀ ସେହି ଆଖେଡ଼ାରୁ ଗୋଟେ ହାତୀ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଟେ ଐରାବତ ହସ୍ତୀ ଗୋଟେ ଧଳା କନା ପଡ଼ାଇକି ଗୋଟେ ଆଠ ନଅ ଫୁଟର ଉଚ୍ଚା ଓ ବାର ଫୁଟ ଲମ୍ବାର ଗୋଟେ ହାତୀ ଉପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ମାହୁନ୍ତ ବସି ଆସି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯଦିଓ ଚାରିଦିନ ରାହାସ ଥାଏ ନୀତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଏହି ରାହାସ ନୀତି ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଜେର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚିକାର ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି।